नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब समय है यमुनानगर की कम्युनिटी अपडेट्स का। बिलासपुर 6 महीने से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हिमाचल की सीमा से सटे घनौरा गांव के लोगों ने बुधवार को मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। गांव में आपूर्ति के लिए लगे दोनों नलकूप काफी समय से खराब है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोगों को कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। इससे नाराज लोगों ने जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों को समझाकर मार्ग खुलवाने का प्रयास किया। नगर निगम में आने वाले चनेटी में स्कूल के समीप बने भगवान शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर अष्ट धातु से बनी 51 किलो की घंटी लगाई जाएगी। इस परिसर में 5 मंदिर हैं, पांचों मंदिर का 1 घंटा लगेगा। इसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लोगों की मंदिर से आस्था जुड़ी है। मान्यता ये है कि जब से मंदिर बना है तब से गांव में सुख समृद्धि है। अभी यहां शिव पुराण की कथा चल रही है। बुधवार शाम को यहां शोभा यात्रा भी निकाली गई। चनेटी के पूर्व सरपंच अशोक कुमार ने बताया कि गांव में 90 के दशक में सिद्धेश्वर जी महाराज आए थे। जिले में कोरोना के 134 सक्रिय मरीज है, जिनमें से 108 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। जिले में बुधवार को कोरोना के 18 संक्रमित मिले, वहीं 6 मरीज ठीक हुए हैं। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि रिकवरी रेट 95.96% है, डबलिंग रेट 228 दिन है। अब तक जिले में 7,206 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, 80 बाहर के अन्य स्थानों के हैं, 6,915 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षा से पहले स्कूल स्तर पर प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएंगी। इसके लिए प्रश्न पत्र बोर्ड की साइट से मिलेंगे। ये फैसला बोर्ड अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में लिया है। इसे लेकर अब DEO को लेटर भेजा गया है। इस रिजल्ट में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर मिलते हैं, उन पर विशेष फोकस कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। बोर्ड के लेटर में बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए आखिर में 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न 2 हिस्सों में छापे जाएंगे, भाग 1 में सब्जेक्टिव प्रश्न, भाग 2 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ये थे यमुनानगर के कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसे और अपडेट्स की जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।